सो हे गाइस, क्या आप भी अपने लिए कोई परफेक्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अराउंड 40,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से महंगे ज़रूर हैं लेकिन आपको टॉप नॉच कैमरा परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वन प्लस की तरफ से आने वाला इसका 10R। गाइस, ये जो फोन है आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फोन के बहुत कमाल के दिए गए। वैसे फोन की डिस्प्ले की बात कर लें तो इस फोन में भी आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली फ्लूइड AMOLED पैनल, जो कि 10 बिट की पैनल है। साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास टाइप का प्रोटेक्शन, 950 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, HDR10+ का सर्टिफिकेशन दिया गया, वाइट बाइट 11 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो भाई, डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। चलिए बात करते हैं कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि सोनी का IMX766 वाला सेंसर है। और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी मिल जाता है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो डे लाइट और लो लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज तो काफी कमाल की मिलती है। और वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS, जहाँ पर दोनों ही कैमरा से आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी मिल जाता है। सो कैमरा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर कमाल की मिलती है। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको मिलता है 5nm बेस MediaTek का Dimensity 8100 मैक्स का चिपसेट, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया, जिसकी मदद से दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग 8 लाख के आसपास अंततः स्कोर कर जाता है। और देखा जाएगा इस, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई खास दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 80W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, और साथ ही साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको डेफिनेटली इस फोन के अंदर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन आपको फोन के अंदर नहीं मिलने वाले, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आपको वन प्लस की तरफ से कमाल का फोन लेना हो तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो दोस्तों, 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 34,999 रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं इस लिस्ट के अगले कमाल के कैमरा स्मार्टफोन की तरफ। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन यहाँ पर वीवो का V25 Pro। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिलता है, साथ ही साथ स्क्रैच प्रूफ, डेंट प्रूफ, वाटर और स्वेट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी जबरदस्त दी गई है। और फोन के डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पर 6.5 इंच की एक फुल HD+ वाली AMOLED की पैनल मिल जाती है, साथ ही शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 300Hz की टच सैम्पलिंग रेट। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हल्के कर्व एजेस भी देखने को मिल जाते हैं, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर आपको OIS का फीचर मिल जाता है, साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर धमाकेदार है, डे लाइट और लो लाइट में फोटोज यहाँ पर काफी कमाल की निकल कर आती हैं, इससे आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। रही बात वीडियो आउटपुट की गाइस, तो आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और बैक से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek का Dimensity 1300 का चिपसेट, जो कि भाई काफी कमाल का चिपसेट है, आपको यहाँ पर लगभग 7 लाख के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज भी दिया गया है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। वहीं पर पावर हाउस की बात कर ले तो आपको यहाँ पर लगभग 5000mAh की बैटरी मिलती है, जहाँ पर 66W चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। सो बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, और साथ ही साथ ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर। और दोस्तों, एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली और बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो भाई, अगर आप वीवो के फैन हैं और तगड़े कैमरास चाहते हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 8 और 128 के लिए आपको देंगे 35,999 रुपए। और भाई, मैं तो यही कहूंगा कि इसका ब्लू वेरियंट ही लेगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। और ये स्मार्टफोन छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। जी हाँ दोस्तों, ये फोन यहाँ पर आईफोन का 12 mini। गाइस, ये फोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिलता है और एल्युमिनियम की फ्रेम मिल जाती है, साथ ही साथ वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर भी आपको मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच दी गई है।
डिस्प्ले की बात करें तो 5.4 इंचेस की आपको यहाँ पर फुल HD+ वाली सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक OLED पैनल है। साथ ही सेरेमिक शील्ड का ग्लास भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। 1200 nits तक की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है और साथ ही नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। बट दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 12 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको OIS भी मिल जाता है। साथ ही 12 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी की बात करें गाइस तो यहाँ पर भी आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का काफी अच्छा है और दोस्तों यहाँ पर इमेज क्वालिटी टॉप नॉच निकल कर आती है। तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 5nm बेस एप्पल का A14 बायोनिक चिप, जो कि यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लगभग 6 लाख के आसपास अंततः स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम आपको मिलेगी और स्टोरेज आपको यहाँ पर NVMe की दी गई है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 2227mAh की बैटरी दी गई है, जहां पर यह स्मार्टफोन से 15W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर आपको कोई एडाप्टर नहीं दिया गया है। बट दोस्तों बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर बहुत कमाल का मिलता है, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। रही बात यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की, सो यहाँ पर आपको फेस ID देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और ये फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है iOS 14.1 पर, लेकिन iOS 16 के लिए अपग्रेडेबल है। तो यानी कि दोस्तों आपको बहुत जल्द iOS 16 का अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। बात करें प्राइसिंग की तो गाइस स्मार्टफोन का 64GB वाला जो वेरिएंट है ये आपको अभी मिल रहा है 37,999 रुपए की प्राइस पर। वहीं पर स्मार्टफोन का 128 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 43,000 रुपए की प्राइस पर। तो आप किसी भी वेरिएंट के साथ में जा सकते हैं। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन यहाँ पर और भी तगड़े कैमरास के साथ में आता है और ये स्मार्टफोन है पिक्सल का 6A। फोन भी आपको यहाँ पर एल्युमिनियम की फ्रेम के साथ में और प्लास्टिक बैक के साथ में मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात कर लें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.1 इंचेस की एक OLED पैनल, जहां पर आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 1100 nits की ब्राइटनेस और 60Hz की आपको यहां पर रिफ्रेश रेट मिल जाती है। बट ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। साथ ही कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो ही कैमरास मिलेंगे, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 12.2 मेगापिक्सल का और यहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है साथ ही में, और दूसरा सेंसर भी आपको यहां पर 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहां पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। इमेज आउटपुट की बात करें गाइस तो यहाँ पर डे लाइट और लो लाइट दोनों में ही कमाल की इमेजेस आपको मिलती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS, जहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। और दोस्तों फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। कैमरास दोस्तों फोन के बहुत कमाल के हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर गूगल टेंसर का चिपसेट, जो कि 5nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। दोस्तों ये चिपसेट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये स्मार्टफोन चिपसेट लगभग 7 लाख के आसपास अंततः स्कोर कर जाता है। आपको डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो 4410mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिलेगी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी लगी है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट बहुत ही जल्द इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। रही बात दोस्तों यहाँ पर 3.5mm जैक और कार्ड ऑप्शन की, तो वो इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और दोस्तों ये फोन यहाँ पर IP67 रेटिंग के साथ में आता है, तो वाटर प्रोटेक्शन फोन है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड की गई, तो यहाँ पर आपको लगभग सारे ही 5G बैंड का सपोर्ट भी मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 29,999 रुपए। बट दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज परचेस करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी S21 फैन एडिशन। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों यहाँ पर आपको एल्युमिनियम की फ्रेम मिलेगी, IP68 रेटिंग के साथ में आता है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल HD+ वाली डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले, जो कि दोस्तों बहुत कमाल की है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन दिया गया है। 800 nits की ब्राइटनेस, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट, सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं तीन कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ 12 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। ड्यूअल पिक्सल टेक्नोलॉजी दी गई है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। सेल्फी की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप तो फोन का धमाकेदार है ही, साथ में आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी भी डे लाइट और लो लाइट दोनों में ही काफी अच्छी मिल जाती है। वैसे आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। और परफॉर्मेंस की बात कर ले गाइस तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है Exynos का 2100 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 5nm पर बेस्ड है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है।
हालांकि दोस्तों सैमसंग के स्मार्टफोन गेमिंग के लिए नहीं बने होते तो आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 15W का चार्जर ही देखने को मिलेगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, सो बैटरी मॉड्यूल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत जल्द मिल जाएगा। सो देखा जाएगा तो ये भी फोन काफी कमाल का है और लगभग आपको यहाँ पर सभी 5G बैंड भी मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक ओवरऑल अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे इस समय 39,999 रुपए। सो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन जो कि आपको इस समय मिल जाते हैं अराउंड 40,000 रुपीज की प्राइस पर। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।